दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको दुनिया का सबसे छोटा डीटे सेटअप बॉक्स बनाकर बताऊंगा, जिसे कि आप अपने घर पर बहुत ही इजीली बना सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, मैं सबसे पहले ये जो रील वाला कैसेट है, इसका दोस्तों मैं ये जो कवर है यूज करूंगा। तो मैं दोस्तों आपको इस कैसेट के बॉक्स के अंदर ही ये जो डीटीएस का कार्ड है और कुछ कंपोनेंट्स का यूज करके आपको दोस्तों एक सबसे छोटा जो डीटीएस सेटअप बॉक्स है फ्री वाला, आज दोस्तों मैं आपको बनाना बताऊंगा। अगर आप इसे बनाना चाहें तो दोस्तों आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अपने घर पर ही बना सकते हैं। तो हम दोस्तों एक फ्री वाला डीटीएस सेटअप बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले ये जो डीटीएस का एमपेक 2 कार्ड है, इसे दोस्तों हम लेंगे। इसके अलावा हमें ये जो ऑडियो वीडियो वाला सॉकेट है, तो दोस्तों हमें यह भी लेना होगा। इसके अलावा हमें एक बक कन्वर्टर लेना होगा और हमें दोस्तों एक एलईडी बल्ब और साथ में एक आईआर सेंसर और एक 220 ओम का या फिर 1K का तो हमें दोस्तों लेना है। अब इसके बाद दोस्तों हम इस सेटअप बॉक्स को किस प्रकार से बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यह जो डीटीएच कार्ड का यह जो ऑडियो वीडियो वाला सॉकेट है, तो हम दोस्तों इसे सबसे पहले निकाल देते हैं। निकालने के बाद यह जो कार्ड है इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो मैं दोस्तों सबसे पहले इस कार्ड का यह जो सॉकेट है निकाल देता हूँ। तो हम दोस्तों इसे इस प्रकार से सावधानी पूर्वक सोल्डरिंग आयरन से निकाल लेंगे। तो आपको दोस्तों सबसे पहले ये जो इसका सॉकेट है आपको इस प्रकार से निकाल लेना है। तो आपको सबसे पहले इस प्रकार से इस कार्ड का जो ऑडियो वीडियो सॉकेट है, तो दोस्तों आपको निकाल लेना है। अब आपको इन दोनों पॉइंट को आपको दोस्तों बाहर निकालने के लिए इस पर यहाँ आपको होल करना होगा। तो आपको दोस्तों इस प्रकार से शोल्डिंग आयरन से यहाँ होल कर लेना है। तो आपको दोस्तों इस प्रकार से यहाँ होल करने के बाद इन दोनों ही सॉकेट को आपको इस प्रकार से निकाल कर और आपको दोस्तों इस पर इस प्रकार से दोनों में नट लगाकर आपको टाइट कर देना है। तो आपको दोस्तों इस प्रकार से इस डीटीएच कार्ड को इस बॉक्स के अंदर इस प्रकार से सबसे पहले आपको फिट कर लेना है। अब दोस्तों आपको इसके बाद क्या करना है, तो आपको इस बक कन्वर्टर को आपको दोस्तों यहाँ कहीं भी सबसे पहले आपको इस प्रकार से रखने के बाद आपको ग्लू लगाकर आपको दोस्तों इसे यहाँ फिक्स करना होगा। तो हम दोस्तों सबसे पहले इसका जो कनेक्शन है इस पर करेंगे, इसके बाद हम इसे यहाँ ग्लू लगाकर इसे यहाँ फिक्स कर देंगे। तो आपको सबसे पहले इस बक कन्वर्टर का जो कनेक्शन है, तो दोस्तों आपको कर लेना है और आप कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अब दोस्तों हम सबसे पहले यह जो बक कन्वर्टर है, यह इसका आउटपुट है और यह दोस्तों इसका इनपुट है। तो हम सबसे पहले इन दोनों ही पॉइंट पर दो दो वायर लगा लेंगे। हम दोस्तों दो वायर
इनपुट पर और दो वायर इसके आउटपुट में इस प्रकार से लगा लेंगे। अब दोस्तों इस पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ जम्फर के लिए पॉइंट मिलेगा। इस पर दोस्तों 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1.5 वोल्ट के लिए आपको जम्फर करने के लिए यहाँ जो पॉइंट है दिया गया है। तो हम दोस्तों यहाँ जो इसका सेकंड नंबर वाला 3.3 वोल्ट का जम्फर है तो हम दोस्तों यहाँ इसे जम्फर कर देंगे, जिससे कि हमें इस बक कन्वर्टर से 12 वोल्ट इनपुट देने पर हमें इसका जो आउटपुट है तो 3.3 वोल्ट मिले। तो आपको दोस्तों इस प्रकार से इस सेकंड वाले 3.3 वोल्ट वाले पॉइंट पर आपको सबसे पहले जम्फर कर देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसका जो आउटपुट है यह इसका नेगेटिव है और यह इसका पॉजिटिव है, जिससे कि हमारा 3.3 वोल्ट आउट होगा। तो हम दोस्तों इसका जो पॉजिटिव वाला वायर है हम इस डीटीएच कार्ड पर सप्लाई के लिए यूज करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम इसका जो ग्राउंड वाला पॉइंट है तो हम यहाँ ग्राउंड कहीं भी दे सकते हैं। आप दोस्तों ग्राउंड यहाँ सेकंड नंबर वाले पिन पर देखो, दोस्तों आप ग्राउंड यहाँ से भी कहीं से भी दे सकते हैं। ये दोस्तों इसका आउटपुट हो गया 3.3 वोल्ट का कार्ड को ऑन करने के लिए। अब दोस्तों इसका जो इनपुट वाला ये जो दोनों वायर है, एक ग्राउंड और एक इसका पॉजिटिव वाला, तो हम दोस्तों क्या करेंगे, ये इसका जो आउटपुट वाला LNB आउट का जो पॉइंट है तो हम दोस्तों इस पर इसे कनेक्ट करेंगे। तो इसका जो पॉजिटिव इनपुट है तो हम दोस्तों इसके इस बीच वाले पॉइंट के साथ में अब दोस्तों इसका जो इनपुट का ग्राउंड है तो हम दोस्तों यहाँ ग्राउंड कहीं से भी दे सकते हैं। तो हम दोस्तों यहीं से इसे ग्राउंड भी दे देते हैं इस प्रकार से। तो आप दोस्तों सबसे पहले इस कार्ड पर यह जो बक कन्वर्टर है 3.3 वोल्ट का जम्फर करने के बाद इसका जो इनपुट वाला दोनों वायर है आपको यहाँ दोनों ही पॉइंट पर जोड़ देना है, बीच वाला पॉजिटिव ये दोस्तों ग्राउंड है और इस बक कन्वर्टर का जो 3.3 वोल्ट आउटपुट है तो हम दोस्तों इस प्रकार से इस डीटीएच के कार्ड पर दे देंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब दोस्तों हम इस पर इस रेजिस्टेंस को लगाकर LED का कनेक्शन करेंगे और साथ साथ दोस्तों यह जो IR सेंसर है इसको भी हम लगाएंगे। तो मैं दोस्तों इस IR सेंसर का कनेक्शन और LED का जो कनेक्शन है कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है आपको वीडियो पर बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब दोस्तों आपको इस पर जो सेंसर है किस प्रकार से लगाना है, तो आप देख सकते हैं कि सेंसर का यह जो फर्स्ट वाला लेग है तो यह दोस्तों सामने की तरफ, यह जो सेकंड नंबर वाला पिन है इसका IR का है। तो हमें दोस्तों सेंसर का जो फर्स्ट वाला यह लेग है हमने इस IR वाले पिन के साथ में लगा दिया है। ये दोस्तों इसका जो फर्स्ट वाला लेग है ये इसका ग्राउंड है, तो हमें दोस्तों LED का जो ग्राउंड है और सेंसर का जो ग्राउंड है तो यहाँ दोस्तों हमने ग्राउंड पर जोड़ दिया है। और सेंसर का ये जो तीसरा वाला लेग है तो दोस्तों यह सप्लाई का है, तो हमने दोस्तों 3.3 वोल्ट जो सप्लाई है एक छोटा सा वायर लगा कर और यहाँ दोस्तों हमने इधर से फर्स्ट वाले लेग के साथ में हमने जोड़ दिया है। इसी पर दोस्तों हमने एक रेजिस्टेंस भी लगाया हुआ है।
आप दोस्तों इस पर जो रेजिस्टेंस है तो आप 220 ओम से लेकर 1K के बीच का जो रेजिस्टेंस है लगा सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इस पर ये जो कनेक्शन है इस प्रकार से कर दिया है और इस बक कन्वर्टर को मैंने दोस्तों यहाँ ग्लू से फिक्स कर दिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पीछे जो ऑडियो वीडियो वाला सॉकेट है तो दोस्तों मैंने यहाँ 2 बोल्ट लगाकर दोस्तों मैंने यहाँ कस दिया है। अब दोस्तों हम इसका जो कनेक्शन है तो कहाँ करेंगे, दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ थोड़ा सा होल करके इसका जो तीनों पॉइंट है तो दोस्तों मैंने यहाँ निकाल दिया है, 2 ऑडियो का है और 1 वीडियो का है। यह दोस्तों इसका वीडियो वाला पॉइंट है और यहाँ इसके लेफ्ट राइट दोनों ऑडियो वाले पॉइंट हैं। तो हम दोस्तों यहाँ इसका जो कनेक्शन है कर लेते हैं और जो ग्राउंड का कनेक्शन है दोस्तों हम उसे भी कर लेंगे। और इस पर दोस्तों हम सिग्नल के लिए जो 12 वोल्ट सप्लाई है तो इधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड और दोस्तों ये जो चौथा वाला पिन है ये 12 वोल्ट सप्लाई के लिए है। तो हम दोस्तों जो इनपुट सप्लाई है 12 वोल्ट इस पिन के माध्यम से एडाप्टर के माध्यम से देंगे जहाँ कि हमें यहाँ 12 वोल्ट सप्लाई मिलेगा। तो हम दोस्तों यहाँ से या फिर यहाँ जो इसका 12 वोल्ट इनपुट सप्लाई है हम यहाँ से एक वायर यहाँ दोस्तों जम्फर कर देंगे। अब दोस्तों मैं इसका जो ऑडियो वीडियो सॉकेट का कनेक्शन है और इसका जो 12 वोल्ट वाला कनेक्शन है कार्ड पर तो दोस्तों मैं कर लेता हूँ और आपको इस सेटअप बॉक्स को टीवी के सामने कनेक्ट करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों हमारा जो कनेक्शन है कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने इस AV वाले सॉकेट का जो कनेक्शन है तो दोस्तों मैंने यहाँ कर दिया है और सिग्नल के लिए दोस्तों मैंने 12 वोल्ट वाला जो वायर है मैंने यहाँ से यहाँ इस पर लगा दिया है। अब दोस्तों मैं आपको इसे TV के साथ में चालू करके भी दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा एक छोटा सा जो DTS सेटअप बॉक्स है फ्री वाला तो दोस्तों यह बन चुका है। अब मैं आपको TV के साथ में इसे कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो हम दोस्तों इसे पावर देने के लिए ये जो 12 वोल्ट 1.5 एम्पीयर का एडाप्टर है तो हम दोस्तों इसका यूज करेंगे। तो मैंने दोस्तों क्या किया है कि इस एडाप्टर पर ये जो DTH का केबल है तो दोस्तों मैंने जोड़ लिया है और अब दोस्तों मैं जो 12 वोल्ट सप्लाई है तो इस कनेक्टर के माध्यम से 12 वोल्ट एडाप्टर के माध्यम से यहाँ दोस्तों इसे दूंगा इस प्रकार से। और हमारा जो DTS से वायर आया हुआ है तो हम दोस्तों यहाँ इसे इस प्रकार से लगा देते हैं। अब दोस्तों मैं इसे पावर दूंगा 12 वोल्ट एडाप्टर से। आप देख सकते हैं यह हमारा चालू हो चुका है। अब दोस्तों मैं TV का यह जो ऑडियो वीडियो केबल है तो यहाँ दोस्तों हम लगा देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसी सेटअप बॉक्स से यह जो हमारा TV है तो यह दोस्तों हमारा चालू है और इस पर दोस्तों हमारा जो रिमोट है तो दूर से भी अब वर्क करेगा। आप देख सकते हैं कि दोस्तों हमारा जो DTH का रिमोट है दोस्तों मैं इसे कहीं से भी ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से भी प्रेस करूंगा ये दोस्तों काम करेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा सेटअप बॉक्स है बन चुका है। आप दोस्तों अगर इस प्रकार से एक सबसे छोटा DTH का सेटअप बॉक्स बनाना चाहते हैं तो आप दोस्तों इस प्रकार से बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह छोटा जानकारी या जो सेटअप बॉक्स अच्छा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार।